आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभावित बाढ़ से बचाव के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा। कहा, बाढ़ से पूर्व कर ले तैयारियों को पूरा, जिससे न होने पाए जनधन पशुधन की हानि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण हेतु वेबसाइट पोर्टल का किया शुभारंभ। आपदा राहत सहायता योजना के अंतर्गत 23 लाख निर्माण श्रमिकों को 1,000 हितलाभ के तहत 230 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन किया हस्तांतरण। श्रमिकों ने योगी सरकार के प्रति जताया आभार। कोविड-19 में अनाथ हुए 137 बच्चों को जिला प्रशासन ने लिया गोद। डीएम ने कहा, शासन की योजनाओं के साथ अनाथ बच्चों का किया जाएगा भरण पोषण। गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी सहित 30 निरस्त ट्रेनों को रेलवे ने दी हरी झंडी। यात्रियों को कंफर्म टिकट पर ही यात्रा करने की होगी अनुमति। कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद की 2 CHC जंगल कोडिया व चरगांवों को लिया गोद। बेहतर सुविधा के साथ मौजूद रहेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर। SSP ने कहा, ऑपरेशन तमंचा के तहत अपराधियों पर की जाएगी कार्रवाई। कारतूस और बंदूक की दुकानों की भी की जाएगी चेकिंग। नवागत मंडलायुक्त रवि कुमार NG कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहले दिन पहुंचे कमिश्नरी कार्यालय। फरियादियों की सुनी फरियाद। अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। गीता प्रेस के बंद होने की अफवाह पर सदर सांसद रवि किशन पहुंचे गीता प्रेस, किया निरीक्षण। कहा, विरोधी फैला रहे हैं अफवाह, नहीं बंद होगा गीता प्रेस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश के बाद 14 जून से मजदूरों रेहड़ी ठेला वालों के लिए चलेगा वैक्सीनेशन अभियान। एडिशनल CMO ने बताया, नगर निगम में बूथ बनाकर किया जाएगा वैक्सीनेशन। कोविड के खिलाफ लड़ाई में जनपद को मदद करने के लिए रेनू पावर कंपनी ने दिए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जिससे हो सके कोरोना पीड़ितों का इलाज। गोरखपुर में बुधवार को मिले 33 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 6 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,103। अब तक 793 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 542 हो गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। पूर्वोत्तर रेलवे 10 जून को मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा, बैनर पोस्टर पंपलेट व हैंडबिल के माध्यम से लोगों को किया जाएगा जागरूक। प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने बुधवार को जिला अस्पताल के महिला वैक्सीनेशन केंद्र का किया निरीक्षण। कहा, कराएं टीकाकरण, रहें सुरक्षित। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वोत्तर रेलवे ने सभी ट्रेनों में लगवाया बायो टॉयलेट। अब पटरियों पर नहीं गिरेगी गंदगी। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO ने दी जानकारी। बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष बनाए जाने पर नवनियुक्त अध्यक्ष ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, पार्टी को मजबूत बनाने का करूंगा काम। बुधवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 70 बूथों पर 8,820 लोगों ने कराया कोविड का वैक्सीनेशन। एडिशनल CMO ने कहा, अवश्य लगवाएं जीत का टीका। अनलॉक के दूसरे दिन शाम को 7 बजते ही लागू किया गया रात्रि कोरोना कर्फ्यू। पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग व चालान कर लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक, जिससे कोरोना संक्रमण पर लग सके लगाम। और कोरोना आंशिक कर्फ्यू के 40 दिनों बाद बुधवार से खुला शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र चिड़ियाघर। लोगों ने जमकर उठाया लुफ्त। उद्यान केंद्र के निदेशक ने कहा, नागरिकों को मास्क और सोशल डिस्टेंस के साथ दी जा रही एंट्री, बिना मास्क के नहीं होगी एंट्री।